असलम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप ठीक हैं सब हाँ जी क्लास यूनिट फोर फर्स्ट एड चैप्टर का नेम है टाइटल है हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं दैट इज़ ऑन पेज नंबर यस इट्स पेज नंबर फोर्टी थ्री देखें जी बी पार्ट है लिखा हुआ है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग्स गिवन ऑन द राइट ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स दिस क्लियर देखें जी आपने वर्ड्स कंप्लीट करने हैं उनके मीनिंग सामने लिखे हुए हैं और आपने हर एक के साथ प्रीफिक्सेस लगाना है डिस के साथ अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं प्रीफिक्सेस डिस हैज़ द मीनिंग ऑफ डिवॉइड डिवॉइड का मतलब है मना करना बचाना परहेज़ करना अब ये देखें वर्ड है ओ सी ए टी ओकेट लिखा हुआ है इसका मीनिंग लिखा हुआ है टू पुट आउट ऑफ प्लेस तो यहाँ पे मैंने लगाया डिसलोकेट ठीक है डिसलोकेट नेक्स्ट इसका मीनिंग बन गया टू पुट आउट ऑफ प्लेस आगे है इस फाइड लिखा हुआ था इसका मीनिंग था टू बी अनहैप्पी एक इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था तो मैंने लिखा डिससेटिस्फाइड क्या लिखा डिससेटिस्फाइड डी आई एस एस ए टी ठीक है डिससेटिस्फाइड आगे है रैक्ट लिखा हुआ था उसका मीनिंग है डाइवर्ट तो इसका बनेगा डिस्ट्रैक्ट क्या बनेगा डिस्ट्रैक्ट डी आई एस टी आर ए सी टी और इसका मीनिंग है डाइवर्ट आगे है डिसकॉलीफाई एक्सक्लूड डिस टू डाउट डिसप्रूव टू रिजेक्ट क्लियर ये देख लें ये ऐसे बॉक्स ऑल होगा प्रीफिक्सेस लगा के वर्ड को कंप्लीट किया और इनका मीनिंग इनके सामने लिखा हुआ है नोट डाउन कर लें इनको हाँ जी क्लास इसके साथ मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रीहशन करवाना है चूज़ द बेस्ट आंसर है लिखा हुआ है फर्स्ट है इफ़ ब्लड स्पर्ट और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर तो क्या होगा डू फर्स्ट एड अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ या सीक मेडिकल असिस्टेंस तो मेडिकल असिस्टेंस का मतलब है कि आप फ़ौरन डॉक्टर को जाएं और तिबी मदद लें तो यहाँ पे आंसर सी जो है दैट इज़ करेक्ट वन सीक मेडिकल असिस्टेंस नेक्स्ट देखें थोरो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अच्छी तरह साफ करना किस चीज़ के ख़तरे को कम कर देती है इन्फेक्शन एंड टैटनेस को एलर्जी या रैश आंसर है ए ऑप्शन इज़ करेक्ट वन इन्फेक्शन एंड टैटनेस नेक्स्ट देखें इफ़ ए और एन अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट अगर क्या अपीयर हो तो आप मरहम का यूज़ छोड़ दें इन्फेक्शन रैश या एलर्जी जी आपको अगर रैशेज़ अपीयर हों तो आप ऑइंटमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ दें आगे देखें चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट पट्टी को तब्दील करें कम अज़ कम वीकली ट्वाइस अ डे दे या डेली हर रोज़ दो दफ़ा एक दिन में या हफ्तावार तो जनाब आपने पट्टी अगर ड्रेसिंग की है तो उसको डेली चेंज करें बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर are good for dressing small round